भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शनिवार तड़के जिन्हें जामा मस्जिद के बाहर से हिरासत में लिया गया और उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। कल चंद्रशेखर पुलिस को चकमा देकर जामा मस्जिद पहुंच गए थे, जहां प्रदर्शन में शामिल हो गए थे। उसके बाद वो हंगामा हुआ था, नागरिकता कानून के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें, यहाँ पर प्रॉपर चेक करने के बाद ही पुलिस अंदर जाने दे रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर अंदर घुस गए। अंदर पहले से उनके कार्यकर्ता मौजूद थे। दोपहर बाद से दिल्ली के दरियागंज इलाके में पथराव और आगजनी पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। उनमें से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया। ये लोग मुख्यालय के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। मुर्दाबाद। यहाँ पर जो स्टूडेंट का रवैया है वो क्लियर है कि जब तक जो लोग डिटेन किए गए हैं अलग अलग थानों में, जब तक उन सभी को छोड़ा नहीं जाता, जब तक मेडिकल नहीं कराया जाता उन सबका, तब तक ये लोग यहाँ के हटने वाले नहीं है। प्रदर्शनकारी उल्टे पुलिस पर सिविल ड्रेस में आकर तोड़फोड़ करने और पत्थरबाजी करने के इल्जाम लगा रहे थे, वहीं अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बता रहे थे। तो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे थे लोग जामा मस्जिद से, उन पे कैनन, वाटर कैनन फायर किया गया। पीसफुल प्रोटेस्ट सिविलियंस, रात 10:30 बजे दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर 8 नाबालिगों समेत 32 लोगों को रिहा करने और एक वकील को उनसे मिलने का आदेश जारी किया गया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर देर रात तक जमे रहे। उधर शाम को इंडिया गेट पर छात्र धरना दे रहे थे। यहाँ उनका साथ देने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो कर रहा है उसको दबाने की कोई जरूरत नहीं है। जनता की आवाज है, युवाओं की आवाज है, सरकार को सुननी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए और कर भी रहे शांतिपूर्वक। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, जी हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो भी बात है वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए। इन सब के बीच केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि नागरिकता कानून को लेकर लोग जो भी सलाह देना चाहते हैं वो उनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन प्रियंका का कहना था कि सरकार की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये सरकार शुरू से जनता की आवाज़ सुनना नहीं चाहती, युवाओं की आवाज़ सुनना नहीं चाहती, तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती इन चीज़ों में जो ये कह रहे हैं। जनता कुछ दिनों से, काफी दिनों से अब प्रदर्शन कर रही है, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो किस मुंह से कह रहे हैं? यहाँ आकर बात करें स्टूडेंट से। इससे पहले सोनिया गांधी ने बयान जारी कर नागरिकता कानून और प्रस्तावित NRC को लोगों को बांटने वाला बताया, साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों को भरोसा दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। मोदी सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण सामने आई और उन्होंने सोनिया गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। The Congress Party condemns the actions of the BJP government and expresses its solidarity with the students and citizens of India in their just struggle. The Citizenship Amendment Act
is discriminatory. The Congress Party assures the people of India that it is fully committed to stand up and defend their fundamental rights. Sonia ji, kya violence ka samarthan kar rahi hai? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के ऊपर पिटाई जब हो रही है, पत्थरबाजी जो हो रही है, उनका समर्थन कर रही है सोनिया जी? हैंड ग्रेनेड जो फेंक रहे हैं उनको समर्थन कर रही है सोनिया जी? एनआरसी के बाद ही जब नहीं शुरू हुआ उसको रेफरेंस करते हुए एक भयानक पिक्चर दिखाना और जनता को, गरीब मजदूर का भयानक पिक्चर दिखाने वाले एक गैर जिम्मेदाराना जवाब जो आज स्टेटमेंट के रूप में सोनिया जी ने दिया है उसको मैं पुरजोर कंडम कर रही हूं। उधर जामा मस्जिद पर भी देर रात तक प्रदर्शनकारी जमे रहे। यहां भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी मौजूद थे। इस बीच पुलिस अलर्ट पर है। वीडियो फुटेज की मदद से प्रदर्शन के बीच घुसे असामाजिक तत्वों की निशानदेही की जा रही है।